एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से एचएमटी पिंजौर के गेट के समीप सरकार के विरुद्ध काला दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। एचएमटी कॉलोनी गेट के समीप एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और सरकार के विरुद्ध काला दिवस मनाते हुए धरना प्रदर्शन किया। समिति के संरक्षक विजय बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, बसपा पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों व सामाजिक संगठनों ने इस धरने में समर्थन दिया। समिति का आरोप है कि बिना किसी नीति व योजना के फैक्ट्री को बंद करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। समिति के संरक्षक विजय बंसल का कहना है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी न कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हुआ, वहीं फैक्ट्री के ट्रैक्टर प्लांट की करोड़ों रुपयों की मशीनें भी जंग लग रही हैं। इसी के खिलाफ समिति ने सरकार का पुतला फूंका और रोष प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। सरकार को यहाँ से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिजली का बिल, बहुत सी चीजें, कस्टम ड्यूटी, बहुत चीजें मिलती थी और यहाँ का ट्रैक्टर पूरे मशीने और ट्रैक्टर विदेशों में भी जाते थे, तो उस चीज को खत्म करके इन्होंने आज इस चीज को रेलवे के पार्ट्स यहाँ बन सकते हैं। डिफेंस के लिए एचएमटी ने पहले भी बहुत से यहाँ के हथियार बना के भेजते हैं, तो हमारी डिमांड यही है एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति की और सभी लोग उसके अंदर पार्टी के लोग हैं कि आप इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए आप बात करते हो रोजगार देने की, आप तो बेरोजगार कर रहे हो लोगों को, अगर इस फैक्ट्री को चलाया जाए, यहाँ सब कुछ है, इसको थोड़ा सा सरकार ध्यान देके जैसे यहाँ से आना के हथियार बनने हैं या रेलवे के पुर्जे बढ़ने हैं उसको यूटिलाइज करें, नहीं तो जंग लग रही है। आज वो 150 लोग आज रोजी रोटी के लिए कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, आज वो लोग कहीं डेली वेज में, कहीं फैक्ट्रियों में, जैसे पहले बोला है कि दुकानों के ऊपर सेल्समैन लगे हुए हैं, उनके बच्चों की फीस देने के लिए नहीं है, उनके चार कई लोग तो मर गए हमारे इस चक्कर में, उन लोगों के बच्चों ऑन रोड हो गए हैं, उन बच्चों को पढ़ाना है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, कर्मकार के किराए के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इनको उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, उन लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए और इन लोगों को आश्वस्त करना चाहिए।